नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डायघर पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो दुर्लभ जीव पेंगोलिन की तस्करी किया करते थे। दरअसल डायघर पुलिस के शरद तावड़े को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग दुर्लभ जीव को तस्करी करने के लिए आ रहे हैं, दहिसर पनवेल रोड पर आने वाले हैं, जिसके बाद डायघर पुलिस के शरद तावड़े ने दहिसर पनवेल रोड पर जाल बिछाकर विपुल लॉज से दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम सागर मारुति पवार 33 वर्षीय और अब्दुल जलील यूनुस 54 वर्ष हैं। पुलिस ने इनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद किया है, जिसमें तलाशी के दौरान एक दुर्लभ जीव पेंगोलिन बरामद की गई है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ वन जीव संरक्षण के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।